उन्होंने कहा था कि जाति को छोड़ो, इंसान ही बन जाओ। इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म और धम्म है। जाति हमारे देश की बेड़ा गर्क करने वाली एक टैग है, थप्पा जिसे आज देश का बेड़ा गर्क हो चुका है। मतलब जाति के नाम पर किसी को कह रहे कि भाई ये तो हिंदू लोग हैं, ये मुस्लिम लोग हैं, तो बेड़ा गर्क तो आप देख ही रहे हो ना। हम यहाँ से 18-19 साल से इस झांकी को निकाल रहे हैं, तो आप देखोगे 18-19 साल में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ यहाँ पे किसी भी रूप का। ये हनुमान जयंती मनाते हैं तो कभी जहांगीरपुरी में दंगा होता है, कभी उत्तर प्रदेश में कहीं दंगा होता है, आपने देखा भी होगा। वजीराबाद रोड पे भजनपुरा करावल नगर इतना बड़ा दंगा करा दिया, जय श्री राम जय श्री राम, मतलब लोगों को मारने का काम करा ना। और ये 2 साल से ये हमारा पर्व मनाया नहीं जा रहा था, इस पे बार बार रोक लग रही थी पीछे 2 साल से, तो इसलिए उत्साह है और ये मनना चाहिए। जो लोग पत्थर को भगवान माने बैठे हैं, मैं तो पत्थर को पत्थर ही मानता हूँ। नमस्कार, मैं हूं नुपुर और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त मैं मौजूद हूं लाल किला में। यहां पर गौतम बुद्ध के जन्मोत्सव पर एक कार्यक्रम रखा गया, शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, और यहां पर हम लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आज के दिन में क्या इसकी हिस्ट्री क्या रही है, किस तरह से यहाँ पे लोग एकजुट हुए। आप देख सकते हैं पीछे की तस्वीरें दिखाऊंगी मैं आपको, यहाँ पे कितने सारे लोग मौजूद है। भगवान बुद्ध के जन्मोत्सव पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी, और मैं आपको यहाँ पर लाल किले की तस्वीरें दिखाऊंगी। लोगों से बातचीत करके हम ये जानेंगे कि आज की हिस्ट्री क्या है, क्या है पौराणिक तौर पर लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, तो वो तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी। ये आप देख सकते हैं कि इस तरफ यहाँ पर किस तरह से विशाल तरीके से इसे मनाया जा रहा है, इसको किस तरह से जनसभा लगाई गई है, यहाँ पर शोभा यात्रा निकाल रहे हैं लोग। लाल किला से रानी झांसी रोड तक की इनकी शोभा यात्रा चलेगी, और हम उसको पूरी तरह से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप पीछे की तस्वीरें देखते जाइए, किस तरह से एक ट्रैक्टर को सजा करके गौतम बुद्ध को समर्पित किया गया है बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव के नाम पर। आज 15 मई है और 15 मई को ही गौतम बुद्ध की का जन्मोत्सव होता है, इसी को मनाने के लिए यहाँ पर सैकड़ों लोग यहाँ पर आए हैं, और आप देख सकते हैं किस तरह से भव्य रूप से इसे मनाया जा रहा है। बुद्ध पूर्णिमा है कल, आप ये तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ पे बुद्ध गौतम बुद्ध की मूर्ति लगाई गई है, यहाँ पर लोग एकजुट हुए हैं, और हम लोगों से ही बातचीत करेंगे। ये लाल किला से मैं आपको लगातार वो तस्वीरें दिखा रही हूँ, किस तरह से यहाँ पर लोग गौतम बुद्ध को की पूजा कर रहे हैं, किस तरह से उनकी उनका जन्मोत्सव मना रहे हैं, और मैं आपको लगातार लोगों से बातचीत भी करेंगे। हम उनसे जानेंगे कि इसकी पौराणिक क्या कथा है, क्या स्टोरी है इसके पीछे, क्या क्यों बुद्ध को इतना माना जाता है, क्यों उनके जन्मोत्सव को मनाया जा रहा है। मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगी लोगों से बातचीत करके। आप ये तस्वीरें देखते जाइए किस तरह से भव्य रूप से इसे मनाने की मनाई जा रही है, और ये देखिए विशाल शोभा यात्रा और जनसभा का आयोजन किया गया है यहाँ पर। ये तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ लाल किला से। अब चलिए लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस पर लोगों की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है। यहाँ पर लोग दूर दूर से आए हैं अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए। हम उनसे बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि लोग इस पर क्या राय रखते हैं, और लगातार मैं आपको वो तस्वीरें दिखा रही हूँ जो यहाँ पर लोग एकजुट हुए हैं, किस तरह से इसका आयोजन किया गया है, इनकी झांकियाँ सजाई गई हैं, एक ट्रैक्टर सामने आपको दिख रहा है, किस तरह से ट्रैक्टर सजाया गया है भव्य रूप से, और वो तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ लगातार कि किस तरह से झांकियाँ निकाली जा रही है, शोभा यात्रा निकाला जा रहा है, और वो तमाम तस्वीरें आप लगातार देखते जाइए। आज 15 मई है, गौतम बुद्ध का जन्मोत्सव है, आज ही के दिन इनकी इनका बर्थ डे आज ही है, और इसी को लेकर के आज ये एकजुट हुए हैं यहाँ पर लोग। अब हम लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि लोग क्या सोचते हैं इस पर। आज गौतम बुद्ध का जन्मोत्सव है, इस पर बताइए। भगवान बुद्ध का जो है सम्यक्तम बुद्ध का आज जो है मतलब पूर्णमासी है, बैसाख पूर्णिमासी है, उसके एक दिन पूर्व यहाँ पे हमारी दि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, और वो काफ़ी सालों से निकाली जा रही है, और पूरे दिल्ली के लोग इसमें भाग लेते हैं, हर क्षेत्र से लोग आते हैं। मैं पटपड़गंज क्षेत्र से, भारतीय बौद्ध महासभा पटपड़गंज क्षेत्र से कोषाध्यक्ष हूँ, और हमारी समिति पूरा हमारी झांकी आई है जो हमारी सामने खड़ी है, और हम पूरी तरीके से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और भगवान बुद्ध के मैसेज को पूरी दुनिया में फैलाने का काम करते हैं। क्या मैसेज था भगवान बुद्ध का? समता, मैत्री, भाईचारा, सभी के लिए, समानता के लिए, शील, प्रज्ञा, करुणा के बारे में भगवान बुद्ध ने विस्तार से समझाया है, जिसको समानता का
अधिकार दिया है, जाति विशेष से उठ के बात की है भगवान बुद्ध ने, तो उसका मैसेज पूरे विश्व में फैलाते हैं और पूरा विश्व बनाता है भगवान बुद्ध की जो बुद्ध पूर्णिमा है उसको पूरा विश्व फॉलो करता है। तो आप यहाँ से अभी शोभा यात्रा निकालने वाले, लाल किले से कहाँ तक? ये अम्बेडकर भवन रानी झांसी रोड पर जाता है, जो बाबा साहब ने जो है जमीन खरीद के जो दिल्ली में अम्बेडकर भवन हुआ है वहाँ पे इसका समापन होगा, और पूरे हमारे खारी बावली सदर बाजार पुरानी दिल्ली होती हुई वहाँ पे इसमें एक सभा में परिवर्तित होगी और काफ़ी भव्य तरीके से निकाली जाती है। तो क्या बुद्ध का क्या संदेश था, गौतम बुद्ध क्या संदेश देना चाहते सारे लोगों को? सत्य और सही और अहिंसा करने पर उन्होंने रोक लगाया, क्योंकि किसी की जीव की हत्या ना करें और सत्य के मार्ग पर चले और जियो और जीने के रास्ते में ये मार्गदर्शन किया। और हमारा जो है भाईचारा, बंधुत्व, मैत्री, इस पे आधारित है। आज तो देश में ऐसा कुछ है ही नहीं, चल ही नहीं रहा है, आप देख रहे हैं। तो देखिए चलेगा ऐसा, जब इस रात बुद्ध के रास्ते पे जब चलेंगे, जब तक उनके मार्गदर्शनों पे चलेंगे ना, बुद्ध को जानेंगे जब तो चलेंगे, बुद्ध को जान देनी। यहाँ तो धार्मिक बात चल रहा है, जबरदस्ती अपनी बात को रख रहे हैं, बुद्ध ने जो कहा है उसको अपनाए और देखो कैसे नहीं चलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा था कि जिस तरह से संविधान बनाया उसके रास्ते में भी लोग नहीं चल रहे हैं, वो जो बाबा साहब को पढ़ेंगे जब ना, जानेंगे जब ना, उन्होंने कहा कि सभी धर्मों को, जातियों को बराबर का हक दिया और उन्होंने सब किसी को छोटा बड़ा नहीं समझा और सबके लिए काम किया, मगर वो ये लो जो लोग हैं वो नहीं जानते, वो समानता नहीं देना चाहते। जब उन्होंने सबको जाति धर्म 6000 से 43 जातियाँ और 6 धर्मों को बराबर अधिकार दिया है तो कहाँ कमियाँ रहेगी हमारे देश में? संविधान बराबर अधिकार देता है, आप क्यों नहीं देते, ये पूछना चाहता हूँ। और ये प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रहा है, कारण क्या है? अगर संविधान को ये लोग मानते, संविधान पर चलते तो आज ये दिक्कतें क्यों आती? हमारे जब सब कुछ बराबर है, हक बराबर मिलना चाहिए, क्यों हो रहा है? बाबा बुद्ध का संदेश शांति का संदेश है, भाईचारे का संदेश है और जितना ये पाखंडवाद के खिलाफ बहुत चीज़ों का संदेश है। जो हम मूर्ति पूजा करते हैं, बाबा कहते हैं किसी भगवान के हाथ नहीं होते, भगवान हमारे अंदर है, इंसान के अंदर है, जो आदमी इंसानियत में रहता है ना वही भगवान है। तो इस देश में आज जो चल रहा है जो कुछ भी, वो तो गौतम बुद्ध के इशारे पे चल, मतलब जो उन्होंने बोला था जिस तरह से शांति बनाए रखने के लिए, वैसे तो कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन जो देश में आज चला हुआ है ये मनुवादी दादा के तहत चला हुआ है और ये जब तक हम एक नहीं होंगे और पूरे भारत में बौद्ध को नहीं अपनाएंगे ना, ये चलता ही रहेगा। आप देख सकते हैं तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से अब इनकी झांकी निकाली जाएगी, शोभा यात्रा निकाली जाएगी ये बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव के शुभ अवसर पर, किस तरह से उनकी जयंती मनाई जा रही है, शोभा यात्रा निकाल करके आप देख सकते हैं किस तरह से भव्य तरीके से ये पूरी ये इस कार्यक्रम की आयोजना की गई है। और ये देखिए किस तरह से गौतम बुद्ध की के नाम के जयंती महोत्सव पर एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, इस तरह से इसे फूलों से सजाया गया है, एक ट्रैक्टर के ऊपर आप देख सकते हैं किस तरह से इसका आयोजन करके आज के दिन यहाँ पर लाखों लोग आते हैं, सैकड़ों लोग आते हैं हर तरफ से, ना सिर्फ दिल्ली से बल्कि देश के विदेश के कोने कोने से लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं आज ही के दिन। और आप ये तस्वीरें देखिए सीधे सीधे तौर पर बाबा साहेब अम्बेडकर और बुद्ध के जो नियम थे, जो संदेश वो देते थे कि किस तरह से शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखना कितना ज़रूरी है, समानता बनाए रखना कितना ज़रूरी है, भाईचारा बनाए रखना चाहिए, उन सारे संदेशों को कुछ लोग हैं जो कि अभी भी उनका पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लगातार यहाँ पे मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ, ये भव्य झांकी देखिए बहुत खूबसूरत है और आप लगातार यहाँ पे देखते जाइए कि बुद्ध का कहना था कि हमेशा अपने आपस से भाईचारा बना कर रखना चाहिए था। हम लोगों से हमने बातें भी की कि बुद्ध पूर्णिमा का आयोजन किया जाता है, आज उनका जन्मोत्सव है और हम ऐसी आपको तस्वीरें दिखाते जा रहे हैं कि आप ये देखिए किस तरह से इनकी मूर्ति है, इस मूर्ति को की स्थापना की गई है गाड़ी के ऊपर और अब इनकी झांकी निकाली जाएगी, यहाँ से लाल किले से होते हुए अम्बेडकर भवन जाएंगे, हम लोगों से बातें करेंगे। आप बता सकते हैं कि आज बुद्ध पूर्णिमा है तो बुद्ध का क्या संदेश था? बुद्ध पूर्णिमा जो 16 तारीख की है कल की, मगर बुद्ध का संदेश था कि समता, मैत्री, भाईचारा, सबको बराबर का हक मिले। वो किसी को गरीब और अमीर के उससे नज़र से नहीं देखते थे, वो देखते थे कि सबको भोजन मिले, सबको घर मकान मिले,
सबको रहने की यहाँ पे व्यवस्था बने, क्योंकि वो एक राजा थे, बहुत अमीर। अगर वो राजा थे तो वो चाहते थे कि मैं तो जैसा अमीर एक इंसान, मैं इस राजा, मतलब जैसे कि एक पूरे राज्य के राजा बनते थे, तो उस चाहते थे कि मैं, अगर जब उन्होंने देखा कि कोई लोग नंगे पैर जा रहे हैं, खेतों में नंगे पैर रह करके खेती कर रहे हैं, तो हम मतलब एक ऐसे आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो उनका यही एक संदेश था कि सबको समान का अधिकार मिले, यही एक संदेश था। तो आज बुद्ध का जन्मोत्सव है, गौतम बुद्ध का जन्मोत्सव, एक दिन पहले मनाते हैं हम इसका जन्मदिन, और मई का महीना ही गौतम बुद्ध के जन्मदिन का बनता ही रहता है। अच्छा। अप्रैल का महीना बाबा साहब की जयंती बनती रहती है। बाबा साहब की जयंती तो वैसे पूरे साल मनती है, मगर अप्रैल, जैसे कि 1 अप्रैल से और 31 अप्रैल तक चलती रहती है लगातार, फिर मई का महीना आ जाता है, तो मई के महीने में बुद्ध जयंती के जगह जगह पोस्टर होते हैं, होर्डिंग्स होते हैं, कहीं प्याऊ की व्यवस्था होती है, कहीं भोजन की व्यवस्था होती है, तो ये जगह जगह दिल्ली में अलग अलग जगह पे अलग अलग समय पर मनाते हैं। तो क्या बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने कभी भी जातिवाद पे कुछ कहा था कि जातिवाद हो, जिससे होता है, ये तो होता ही आ रहा है पीढ़ियों दर पीढ़ियों से, तो उसमें गौतम बुद्ध का क्या विचार था? उन्होंने कहा था कि जाति को छोड़ो, इंसान ही बन जाओ, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म और धम्म है। जाति हमारे देश की बेड़ा गर्क करने वाली एक टैग है, थप्पा जिसे कहते हैं। आज देश का बेड़ा गर्क हो चुका है, मतलब जाति के नाम पर किसी को कह रहे हैं कि भाई ये तो हिंदू लोग हैं, ये मुस्लिम लोग हैं, तो बेड़ा गर्क तो आप देख ही रहे हो ना। जाति और धर्म में बांट करके इंसान को इंसान नहीं रखा जा रहा, क्योंकि इंसान वो है कि किसी के सुख दुख में काम आए। इसका अंत कैसे कर सकते हैं? अंत ऐसे कर सकते हैं, देखो कभी भी हम यहाँ से 18-19 साल से इस झांकी को निकाल रहे हैं, तो आप देखोगे 18-19 साल में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ यहाँ पे किसी भी रूप का। ये हनुमान जयंती मनाते हैं तो कभी जहांगीरपुरी में दंगा होता है, कभी उत्तर प्रदेश में कहीं दंगा होता है, आपने देखा भी होगा। अभी जब कोविड हो रहा था उस समय भी जब देखा हो, 2020 की बात मैं बता रहा हूँ आपको, फरवरी का महीना था, तो उन्होंने वहाँ पे एक जगह है वजीराबाद रोड पे, भजनपुरा करावल नगर, इतना बड़ा दंगा करा दिया, जय श्री राम जय श्री राम, मतलब लोगों को मारने का काम करा ना, लोगों को बांटने का काम करा। अगर हम किसी मतलब जानवर को, जिसे कुत्ते हैं या बिल्ली को भी पालते हैं ना, तो वो हमारे पास मैत्री भावना के उससे आती है और हमारे पास बैठती है और हमें भी प्यार करती है, और हम भी उसको हाथ फिरा के उसको प्यार करते हैं, तो वो हमारा, अगर हम उसको प्यार करें तो वो हमें प्यार दे रही है। तो बुद्ध का एक सबसे बड़ी जो फिलॉसफी है वो प्यार और प्रेम, इस तरह की फिलॉसफी है। तो आप इसे फॉलो करते हैं, जो बुद्ध की जो फिलॉसफी थी उसको कोशिश करते हैं कि आप पूरा फॉलो करें उसको? जी बिल्कुल बिल्कुल फॉलो करते हैं, तो झूठ नहीं बोलते हम, अगर बता रहे हैं कि जमुना पे हैं तो जमुना पे ही बता रहे हैं, तो सामने वालों को ये विश्वास हो जाए तो अभी 1 घंटा लगेगा। नहीं, आज के डेट में फ़ोन पे लोग क्या कहते हैं, बस आ गया 10 मिनट में, फिर फ़ोन नहीं उठाते, आदमी फिर टेंशन में करता है, यार पता नहीं क्यों नहीं, वो सोचता आ रहा होगा, मगर झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है, सामने वाले का विश्वास खत्म होता है। यहाँ पे बुद्ध, गौतम बुद्ध की जयंती जन्मोत्सव पर लाखों लोग आए हैं, कई देशों से, कई राज्यों से, तो आप कहाँ से? हम कौशाम्बी क्षेत्र गाजियाबाद से आए हैं, और ये यहाँ पे है आनंद विहार बस अड्डे के सामने, और ये 2 साल से ये हमारा पर्व मनाया नहीं जा रहा था, इस पर बार बार रोक लग रही थी पीछे 2 साल से, तो इसलिए उत्साह है और ये मनना चाहिए, पूरे देश के अंदर मनता है, ये नहीं देश, मतलब पूरी की पूरी कंट्री बुद्धिस्ट है, और जो देश बुद्ध को फॉलो करते हैं वो देश काफ़ी रिच है, काफ़ी आगे हैं, उनकी जो मतलब टेक्नोलॉजी है वो बहुत फास्ट है भारत से, यहाँ की आप टेक्नोलॉजी देखो तो यहाँ को तो पत्थर को ही भगवान माने बैठे हैं। तो मैं थोड़ा सा बस इतना ही कहूँगा, जो लोग पत्थर को भगवान माने बैठे हैं, मैं तो पत्थर को पत्थर ही मानता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि हमसे इंसानों से ज़्यादा तो मैं तो कुत्ते बिल्ली इनको समझदार मानता हूँ। लोग यहाँ पे पत्थर को भगवान माने बैठे हैं, तो गौतम बुद्ध साहब कहीं मिले थे क्या? जी गौतम बुद्ध साहब कहीं मिले थे क्या? गौतम बुद्ध, मैं समझा नहीं, आप दोबारा पूछिए। आपने कहा ना कि आप पत्थर को लोग भगवान मान के बैठे हैं, तो गौतम बुद्ध से आप मिले हैं क्या? ना ना, हम तो नहीं मिले। तो आप भी तो गौतम बुद्ध की पूजा कर रहे हैं ना? उनकी विचारधारा, हम विचारधारा, उन्होंने कहा कि मेरी भी पूजा मत करना, उन्होंने कहा था जो मैं एक रास्ता बता के जा रहा हूँ, सत्य का मार्ग, अहिंसा नहीं करनी, उस रास्ते पर चलना है। ये एक खाली एक मतलब मूर्ति है, मूर्ति से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, मगर किसी सिंबल को रख करके, उनको ध्यान में रख करके, चलो आगे चलते हैं हम, जरा गाड़ी को लेके
आप देख सकते हैं किस तरह से इनकी शोभा यात्रा शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं वो भव्य यात्रा यहाँ से शुरू हुई है और किस तरह से वो आगे बढ़ाया जा रहा है उसे मैं लगातार आपको तस्वीरें दिखाऊंगी कि किस तरह से इनकी यात्रा निकाली जा रही है यहाँ लाल किले से लेकर के। अब मैं आपको लगातार यहाँ से रिपोर्टिंग करके दिखा रही हूँ, लोगों से हमने बातचीत भी की। आपको कैसी लगी हमारी बातचीत हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल दस्तक, बने रहिए हमारे साथ। लाल किला से मैं नूपुर बर्णवाल, कैमरामैन आशीष के साथ, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।